जनजन की आवाज जीएन भारत में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद है राजभवन के समीप धरना स्थल में। आपको बताते चले, यहाँ पे आंगनवाड़ी का सेविका जो है उन्होंने अनिश्चितकाल तक धरना देने का निर्णय ले लिया है। और किसी भी हाल में उन्होंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर जब तक हमें वेतन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, जो बेसिक सुविधाएं होती है, बेसिक नीड होती है, वो भी नौकरी अगर वो नहीं मिलेगी, तब तक हम नहीं यहाँ से उठने वाले। आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कितनी महिलाएं यहाँ पर टेंट गाड़ कर बैठी हुई है, सोने की व्यवस्था कर ली है कि अब यहाँ से नहीं हिला है। और साफ तौर पर अभी हम आपको कई महिलाओं से बात भी कराएंगे और सुनाएंगे कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ पे मरना भी क्यों ना पड़े, मरना मंजूर है, लेकिन यहाँ पे अपनी मांगों को पूरी किए मंगवाने की, जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। क्योंकि मात्र 6,000 और उसमें भी वो भी वेतन आपको कई बार महीने महीने पेंडिंग रह जाता है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। उनके बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये कहीं ना कहीं ये सब जो राइट टू फूड है, राइट टू लिविंग है, ये सब बेसिक फंडामेंटल राइट है, ये सब बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में इनरोल्ड है ये सारे राइट्स। अगर ये सारे राइट्स नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए बहुत चिंता का बात है, उनको ये देखना होगा। आइए सुनते, ऐसे ही हमने एक महिला पुष्पा से बात की, उनकी दर्द जानने की कोशिश की, सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, हम लोग सारी बहनें एक होके यहाँ पे बैठ गए अनिश्चितकालीन धरना पर, और सरकार को मेरी बात को मानना पड़ेगा, और हम लोग को मानदेय नहीं वेतन देना होगा, और हम लोग यहाँ से मतलब जब तक मतलब अस्थाई हम लोग को बात नहीं, लिखित नहीं मतलब समझौता करेंगे, तो हम लोग यहाँ से मतलब हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि वो बच्चा के लिए पढ़ाने में लोग बहुत दिक्कत होता है, लास्ट में अगर बच्चा अगर माँ से भी नाराज हो जाए तो वो मजदूरी करने निकल जाता है, जिससे हम लोग को बहुत दिक्कत हो, अंदर का आत्मा हम लोग को बहुत टूटता है कि हम लोग नौकरी करते पर भी अपने बच्चा का अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। आने वाले हर समय में जब भी बच्चा कोई भी नक्सली बनता है तो वो आदिवासी का ही बच्चा बनता है, और उसी क्षेत्र का बनता है जहाँ तक आउट एरिया हो, जहाँ पर बच्चा का बिल्कुल अच्छा से पढ़ाई लिखाई और बिल्कुल अच्छा से भरण पोषण नहीं होता है, वो यही सोच के निकलता है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमको अच्छा पैसा मिलेगा। हाँ, नहीं ठीक से निभा पा रही है। हम लोग जमीनी स्तर से एक बच्चा का रीढ़ है, जो कि माँ जब गर्भ में बच्चा को रखती है तो उस समय से उनका हम लोग देखभाल करते हैं, और देखभाल करते हुए बच्चा को जब टीकाकरण से हुआ संबंधित, अगर टीकाकरण संपूर्ण हो गया तो भी बच्चा को अपना स्कूल में होता है कि आधी रात में भी आप लोगों को जाना पड़ जाता है उठ के काम के लिए, होता है। जैसे हुआ कि स्वास्थ्य के बारे में हुआ, जब अगर गर्भवती महिला अगर उसका जब प्रेजेंट पति होती है, गर्भवती जब होती है तो उस समय उसको सरकार का है और हम लोग का भी है कि गर्भ का जो है वो प्रसव आपका घर में नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए ये क्या बोलते हैं स्वास्थ्य में, तो स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए। तो उस समय भी क्या, अगर सहिया दीदी साथ नहीं देती है तो हम लोग खुद उसको लेकर के जब मन तब लेकर के हॉस्पिटल में चले जाते हैं। आप लोगों ने जन आंदोलन जो छेड़ दिया है इतना बड़ा कि अब अनिश्चितकाल, अगर सरकार नहीं सुनती है, आपने कहा कि अनिश्चितकाल अनशन अनशन से भी नहीं सुनती है, आखिरी आप लोग क्या मतलब क्या करेंगे आप लोग किसी भी हाल में? उनको तो सुनना ही पड़ेगा, कम सुनना पड़ेगा, काहे कि हम लोग जितना काम है सारा काम बाधित कर चुके हैं, जितना ICDS है सारा काम बाधित कर चुके हैं, एक भी काम हम लोग नहीं करेंगे, और सरकार को आना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, काम बंद कर देंगे, सारा काम बंद कर, ये अल्टीमेटम है सरकार को जी ऐसा। लेकिन सरकार का रवैया देखिए लग तो नहीं रहा है जितना दिन से आप लोग बैठे हुए कि सरकार सुनने का मूड में। अगर सरकार नहीं सुनते हैं तो अभी हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, आने वाले समय में हम लोग अनशन पर भी बैठेंगे, फिर तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सुनेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना से नहीं हटेंगे। तो एक बात बताइए, आप लोग जब इस तरीके से कोई भी अनिश्चितकालीन धरना करता, कोई ना कोई मंत्री आता है आश्वासन देता है और फिर आप लोग उठ के चले जाते हैं? नहीं, हम लोग आश्वासन से नहीं मानने वाले हैं, हम लोग को आश्वासन नहीं, हम लोग को लिखित रूप में चाहिए, लिखित रूप में जब तक वो आश्वासन नहीं देते हैं हम लोग यहाँ से अनशन से नहीं हटेंगे। क्या कि सरकार का रवैया हम लोग बहुत देख रहे हैं, और जितना काम हम लोग जो कर रहे हैं वो नहीं लगता है कि कोई करता होगा, सेविका को ही दे दिया गया है BLO का काम। अच्छा। जो कि जनगणना करना है। हाँ। और अभी पेंशन का भी फॉर्म भरना है, और जन्म मृत्यु सारा चीज हम लोग काम करते हैं।
और आंगनवाड़ी सेविकाओं को 40 बिंदु पर काम किया जाता है। स्वास्थ्य से भी हम लोग जुटे हुए हैं और बच्चों का जो पूरक पोषाहार है वो सारा चीज, और इतना काम करते हुए भी हम लोगों को क्या मिलता है दीदी? कुछ भी नहीं मिलता है। 6400 ये तो शर्म ना, ये तो शर्म आना चाहिए हमारे राज्य सरकार को कि हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं बहने को जो इतना काम सौंपा गया है और उसमें हम लोग को मात्र 6400 रुपया देते हैं। हम लोग का आर्थिक स्थिति भी खराब रहती है, हमारे उस पैसे में हमारे बच्चों का भरण पोषण क्या होगा? हम लोग खुद कुपोषित का शिकार होते जा रहे हैं उतना पैसा में। उनको तो शर्म लगना चाहिए कि एक मजदूर भी अगर मजदूरी करता है तो उसको प्रतिदिन 300 रुपया मिलता है, हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। अगर वो एक माह काम करता है तो 10,000-12,000 रुपया उठाता है। तो हम राज्य सरकार से क्या हम लोग मांग किए हैं? यही मांग किए हैं कम से कम हम लोग का न्यूनतम मजदूरी भी देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दिए हैं अभी तक। ले तो आपने साफ तौर पर सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आगे चल के ये जन आंदोलन और भी तेज होगा अगर मांग नहीं पूरी होती है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।